हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। आप बड़ों का कहना भी मानते होंगे, पौष्टिक खाना खाते होंगे, खूब सारी पढ़ाई करते होंगे और खेलते भी होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्या कराने जा रहे हैं, आज हम सीखने जा रहे हैं आपकी पुस्तक स्वर तरंग से आधे व्यंजन का प्रयोग। बच्चों, आधे व्यंजन जो कि आप बोलते हैं लेकिन आप उस टाइम नहीं समझ पाते कि हमने आधा व्यंजन भी बोला है। तो चलिए आज देखते हैं आप आधा व्यंजन हम कैसे लिखते हैं, उसको सीखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये क्या बना हुआ है, बच्चा, है ना, बच्चा, बस्ता। लेकिन आपको पता है इसको कैसे लिखा जाता है, तो वही सीखते हैं हम। ये देखिए क्या लिखा है, ब आधा चा। हम बोलते हैं बच्चा, हम बचा नहीं बोलते, हम बोलते हैं बस्ता। हम बस, हम बता नहीं बोलते या बसा नहीं बोलते, है ना। तो इसको लिखते कैसे, ब च चा, बच्चा, आधा चा, फिर पूरा चा, फिर क्या बन गया, बच्चा। ऐसे ही बस्ता में ब आधा सा, बस्ता बन गया, बस्ता। कु त ता, कुत्ता। ये देखिए कु आधा ता, फिर पूरा ता बन गया, कुत्ता। ऐसे ही क्या बनाए, पत्ता। बोलिए पता नहीं बोलेंगे, पत्ता, पत्ता, पत, पत्ता। तो कैसे बन गया, प आधा ता और पूरा था, पत्ता। लड्डू, लड्डू, लड्डू। पुष्प, पुष्प, पुष्प। ये देखिए, चलिए हम इसका प्रयोग करते हैं, इसको दोहराते हैं। क, पहले पूरा क है फिर आधा का, कक, चक्की, तक, टी। भाग्य, ग, ग आधा, ग भाग्य। विघ्न, घ पूरा घ और फिर आधा, विघ्न। च च चच, ज ज जच, क क कक, खा क खक, गा ग गग। भाग्य, तख्ती, जैसे लट्टू, टट, टट, ट और ट, टट पाठ्य। ग ग गुग, गग, घड़, तत, कुत्ता, तत, थ और थ, थ पृथ्वी, पृथ्वी। द और द, भद्द, भद्दा। ध और ध, धद, ध्वज। ग ना और ना, ना, नन, नन, गन्ना। मेरे साथ बोले, फ और फ, फ, फफ, मुफ, मुफ्त। ब और ब, बब, शब्द। भा और भा, भब, सभ्य। म और मा, अम्मा, अम्मा। य और य, यई, 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 शैया। र और र, नर, 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 र, र, नर्म। ल और ल, लल, लल, बिल्ली। व और व्य, व्या। श और श, अश, श, अश। प, श और श, श। स और स, सस, रस्सी। ह और ह, जिह, जिह्व्या। और श और श, लक्ष्मी। अब हम इसको दोहराते हैं, च क की, चक्की। ल ट टू, लट्टू। ध व ज, ध्वज, नर्म। तख्ती, पाठ्य, जो बीच का जो शब्द होता है बच्चों, वो हल्का सा बोला जाता है। जैसे कि गन्ना नहीं बोलेंगे, गन्ना। बिल्ली, दूसरा जो एक अक्षर उसको पूरा बोलेंगे लेकिन बीच का छोटा सा बोलेंगे, बिल्ली। बिलली नहीं बोलेंगे, बिल्ली। व्या, व्यायाम। अश्व, मुफ्त। प्याज, गुड्डा। भाग्य, विघ्न। दंड, मुफ्त। अश्व,
पुष्प शब्द कुत्ता सच्चा पृथ्वी। आपने देखा मैंने बीच का जो शब्द है वो मैं छोटा सा बोल रही हूँ, पृथ्वी नहीं बोल रही, पृथ्वी। सभ्य रस्सी जिह्वा अम्मा पृथ्वी सच्चा छज्जा भद्दा शय्या लक्ष्मी। तो जो आधा शब्द होता है हम इसको मुंह में बोलते हैं और बहुत हल्का सा बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, और कुछ शब्दों का अभ्यास करेंगे। ये देखिए जो लाल रंग के हैं ये बीच के आधे शब्द हैं, और आधे शब्दों को कैसे बोलेंगे, अच्छा। देखिए मैंने कितना हल्का सा बोला, ठीक है, च अच्छा लच्छा बच्चा सच्चा। दूसरा जो है इसको हम जोर से बोल रहे हैं लेकिन आधे शब्द को हम बहुत हल्का सा मुंह में बोल रहे हैं। गत्ता पत्ता छत्ता सत्ता पक्का मक्का चक्का धक्का बिल्ली दिल्ली रस्सी लस्सी प्यास प्यार न्याय राज्य। राज्य जो मैंने कैसे बोला, राज्य, य ज्यादा आवाज आई होगी, ज की कम आई होगी। न्याय ना मैंने हल्का सा बोला। पत्थर, ता की आवाज कितनी आई, हल्की से, पत्थर। डिब्बा, ये वाला बा बहुत हल्का सा था, डिब्बा जो आधे अक्षर का वर्ड था, आधा अक्षर, वो बहुत धीरे धीरे से बोलती। नाश्ता नाश्ता पाठ्य पाठ्य य। तो बच्चों जो आधा अक्षर होता है वो बहुत धीरे से बोलते हैं। अब हम एक पाठ पढ़ते हैं जिसमें आधा अक्षर है, और ये देखिए लाल रंग का जो है ये आधे अक्षर है बीच का। अब आप देखना मैं कैसे बोलूंगी और आप मेरे पीछे अवश्य दोहराएंगे। संपत एक सज्जन व्यक्ति है, वह चश्मा पहनता है, वह ईश्वर का सच्चा भक्त है, वह दिल्ली में रहता है, वह हमेशा अच्छे काम करता है, उसने एक नन्ही बिल्ली पाल रखी है, वह बिल्ली और उसके बच्चों का ध्यान रखता है, बिल्ली मक्खन पसंद करती है। अब हम क्या करेंगे, खाली जगह में हम आधा व्यंजन लिखकर शब्दों को पूरा करेंगे। जैसे कि यार लिखा है तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्यार, आधा अक्षर लिख दिया। हादी, हादी में मैंने ला लगा दिया, क्या बन गया, हल्दी। ऐसे ही पु, मैंने आधा सा लगा दिया तो क्या बन गया, पुस्तक। कूता, कूता में मैंने ता आधा लगा दिया तो क्या बन गया, कुत्ता। आ और छा में अगर आधा चा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, अच्छा। ऐसे ही याकुल, याकुल में अगर हम व लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, व्याकुल। ऐसे ही इधर हम क्या लगाएंगे, कूल, कूल में हमने लगा दिया, अच्छा इधर हम करते हैं पहले, ग में ता लगा दे तो क्या बन गया, गत्ता। और अगर हमने यहाँ पे लिख दिया म आधा का तो क्या बन गया, मक्का मक्का। तो ये वाला क्योंकि मुझे नहीं, तो ये करेंगे आप लोग अपनी समझ से कि देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, क्या भरा जाएगा। तो हमने क्या भरा, प्यार अधला हल्दी पुस्तक कुत्ता अच्छा व्याकुल गत्ता और यहाँ पे मक्का। और एक अक्षर एक शब्द हमने छोड़ दिया आपके लिए, इसमें आप अपनी सोच के इसमें भरेंगे। तो बच्चों इसके साथ हमारा आज का पाठ यहीं समाप्त होता है, कुछ नया लेके बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।